कबीरदास जी वैसे महान संतों ने हिंदी और क्षेत्रीय बोलियों के माध्यम से इस जन जागृति का प्रसार किया है। वहीं चंद्र वरदाई जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं में हिंदी का प्रयोग कर भारतीय इतिहास का अद्वितीय अध्याय लिखे हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय हिंदी संघर्ष और राष्ट्रीय एकता की भाषा बनी और देशवासियों को एक सूत्र में एक मंच प्रदान करने में और संगठित करने में इसने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। मुझे हर्ष है कि हमारी सरकार ने भी अनेक काम आज हिंदी भाषा के उत्थान के लिए, हिंदी भाषा के संवर्धन के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे नवोदित उदयमान आने वाले भविष्यों को भी विरासत आगे बढ़ाने का काम हो या पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम हो, अनेक ऐसे प्रयास किए हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी मजबूती से स्थापित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा अभी आदरणीय सुबोध दुनियाल जी ने यहाँ पर बहुत विस्तार से उनके बारे में बताया, मैं उनकी सबकी प्रशंसा करता हूँ, बहुत इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि निश्चित रूप से आपने कई सारे नवाचार किया है और नवाचार के माध्यम से हमारे नए उदयमान लोगों को भी और भाषा के क्षेत्र में काम करने वालों को भी, साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों को भी कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करने का काम, उनको इस दिशा में और ऊर्जान्वित करने का काम और एक कैटालिस्ट की जो भूमिका होती है, कैटालिस्ट की भूमिका को सरकार के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया है। यह प्रयास हमारी जो भाषाएं, भाषाई विविधता है और उनके विकास के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा भाषाओं और परंपराओं के प्रति समर्पण को प्रोत्साहित करने के लिए आप सबको पता होगा कि उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान के तहत जो हमारे उत्कृष्ट साहित्यकार हैं उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यहाँ पर मुझे ये भी बताया गया है कि उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा विभिन्न भारतीय भाषाओं में ग्रंथ प्रकाशन के लिए